की पिच पर बल्लेबाजों को अपनी स्विंग पर नचाने वाले इमरान आज पाकिस्तान की राजनीति के चमकते सितारे बन गए हैं। पाकिस्तान में नियाजी कबीले में जन्मे इमरान को शोहरत अपने पुरखों से मिली थी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सरफराज नवाज का चेला बनकर दुनिया में रिवर्स स्विंग किंग का खिताब हासिल कर इमरान ने अपने खानदान का नाम और आगे बढ़ाया। लोग ये भी कहते हैं कि खेल, एजुकेशन और सेना इमरान को विरासत में मिले थे। इमरान के जीवन की कहानी बड़ी फिल्मी है। इसमें बड़ा परिवार, स्टारडम, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स सबका कॉकटेल है। 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में इमरान खान का जन्म नियाजी खानदान में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लाहौर में करने के बाद बाकी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1975 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से दर्शन शास्त्र, राजनीति और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। माँ शौकत खानम पाकिस्तान के नामी बुर्की परिवार से आती थीं। इस खानदान ने पाकिस्तान को जावेद बुकरी और माजिद खान जैसे कई मशहूर खिलाड़ी दिए। इमरान ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। 16 साल की उम्र में उनका प्रोफेशनल क्रिकेट करियर शुरू हुआ और 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आगाज किया। 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू और 1974 में इसी देश के खिलाफ उन्होंने वनडे में भी आगाज किया। क्रिकेट में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते साल 1982 में इमरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। बेशक इमरान को रिवर्स स्विंग में महारत हासिल थी, लेकिन विश्व क्रिकेट में उनकी पहचान एक ऑलराउंडर के तौर पर हुई। एक दौर ऐसा भी आया जब साल 1987 में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा, तो इमरान ने संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के कहने पर वापस क्रिकेट में लौटे। जुझारू इमरान ने ऐसी जोरदार वापसी की जो आज भी पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बतौर कप्तान पाकिस्तान को 1992 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया। फिर 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट का आगाज करने वाले इमरान ने इसी टीम के खिलाफ क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तब तक उनकी पहचान एक हाई क्लास रोमियो की बन चुकी थी। साल 1995 में इमरान ने ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेमीमा गोल्डस्मिथ के साथ निकाह किया। 9 सालों तक चले इस रिश्ते का 2004 में अंत हो गया। उसके बाद 2014 में इमरान खान ने टीवी एंकर रेहम खान से दूसरी शादी की। इमरान की ये शादी केवल 9 महीने ही चल सकी। इसके बाद फरवरी 2018 में इमरान ने बुशरा मानिका से तीसरी शादी की। बुशरा मानिका इमरान की धार्मिक गुरु मानी जाती थी। बुशरा ने इमरान से शादी से पहले ही कहा था कि उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी शादी जरूरी है। साल 1996 में इमरान खान ने तहरीके इंसाफ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उन्नीस सौ 1997 में पहला चुनाव हारने के बाद 2002 में उन्हें जीत मिली। नवंबर 2007 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो इमरान को भी जेल जाना पड़ा। साल 2013 में इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा दिया था। पाकिस्तान के ताकतवर राजनीतिक परिवारों शरीफ और भुट्टो परिवार के खिलाफ इमरान ने जोरदार प्रचार किया, जिसका नतीजा ये है कि इमरान आज पाकिस्तान की राजनीति के चमकते सितारों में से एक हैं। और अब अगर इमरान पीएम बने तो शरीफ और भुट्टो परिवार के बाद पाकिस्तान में अब नियाजी परिवार की सियासत का दौर होगा।